हाइडल प्रोजेक्ट PSPI पटियाला के अभियंता परमजीत सिंह को जोगिंदरनगर के ऐतिहासिक शानन पावर प्रोजेक्ट पर लिखी पुस्तक शानन पावर प्रोजेक्ट लेगेसी ऑफ कर्नल BC बेटी को पुस्तक के लेखक अभियंता गुरुगौरव सिंह ने भेंट किया। पुस्तक के लेखक एवं पंजाब बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता गुरुगौरव सिंह ने जोगिंदरनगर के शानन पावर प्रोजेक्ट से आए एक्सियन तहसीलदार और तमाम लोगों को अपनी शानन पावर प्रोजेक्ट लेगेसी ऑफ कर्नल BC बेटी पर लिखी इस पुस्तक को भेंट किया। इस पुस्तक से सभी को शानन पावर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसी बीच शानन के अभियंता अजीत सिंह ने गुरुगौरव सिंह के बारे में लोगों को तमाम जानकारी दी। उज्जवल हिमाचल के लिए जोगिंदरनगर से जतिन लटावा की रिपोर्ट। मेरा नाम है इंजीनियर गुरुगौरव सिंह और मैं यहाँ बिजली विभाग में ही असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पे अपना कार्यकाल निभा रहा हूँ जी। तो मैंने यहाँ शानन पावर हाउस प्रोजेक्ट है जोगिंदरनगर में, मैंने यहाँ पे 2 साल की तकरीबन यहाँ पे अपनी सर्विस दी। उसके दौरान जब मैंने देखा प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है, बहुत एक आकर्षक प्रोजेक्ट है, 1930 में बना था और इसके जो इंजीनियरिंग लगते हैं वो बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग है। तो जब मैं यहाँ पे था तो मैंने इसका रिकॉर्ड देखा और सबसे बड़ा इसको बनाने वाले जो फाउंडर थे इंजीनियर जो अपने कर्नल रसल को लाइन बैठी थी जी, उनकी यहाँ पे जो लोकल जितने गांव में शानन में या आसपास लोगों में बहुत एक आज भी रिस्पेक्ट है कि उनको मरे इतना साल हो गए, 1932 में डेथ हुई थी और आज इतना समय हो गया जी, फिर भी आज भी लोग उनको याद करते हैं। तो मेरे को एक क्यूरियोसिटी हुई तो मैंने उनकी लाइफ के बारे में जो पता लगा जी मैंने वो ढूंढा रिकॉर्ड मिला प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये शानन पावर हाउस प्रोजेक्ट था, यहीं से एक तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम था लॉन्ग रेंज उसकी शुरुआत हुई। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस टाइम ये प्रोजेक्ट बना है इसकी पावर लाहौर तक जाती जी, 101,32,000 वोल्ट की डबल सर्किल लाइन शानन से लेकर लाहौर तक जाती थी जी, 400 मील की लाइनें बिछी थी जी। और कितने शहर ऐसे जगमग किए, कितने लोगों को बिजली पहुँचाई, कितने लोगों को रोजगार दिया, हमें इस पर मालूम नहीं है जी। और जितना मेरे को रिकॉर्ड मिला था, जितना मिल पाया वो सारा कंबाइन करके हमने इस बुक में लिखा है। और इस बुक में आपको एक जो पावर सेक्टर की स्टार्टिंग जो फेस कर रही है इस सेक्टर में जो नॉर्थ इंडिया में आ रही है उसकी भी आपको हिस्ट्री मिलेगी। और ये बुक ऐसी है कि ये ऐसा नहीं कि इंजीनियर को ही समझ लगेगी कि ये नॉन टेक्निकल बुक है जी, ये कोई भी पढ़ेगा उसको एक हिस्ट्री एक स्टोरी बुक के टाइप में लिखा गया है। छोटी बुक है, ज़्यादा इसको बड़ा नहीं किया गया, टेक्निकल डिटेल ज़्यादा नहीं दिया जी, एक ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में। और जो भी पढ़ेगा मैं इसके बारे में 100% कह सकता हूँ वो इंस्पायर होगा जी। तो उम्मीद है कि ये मेरी छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन है इतिहास को संजोने की। उम्मीद करूँगा मेरे से आगे भी कोई इसको इतिहास को और पढ़ के और ज़्यादा इसको आगे ले जाएगा। धन्यवाद जी। सबसे ज़्यादा मेरे को खुश किया, प्रोत्साहित किया कि मेरे बहुत दोस्त थे मेरे साथ में यहाँ पे जो इंजीनियर साथी थे जी, नरेंद्र सिंह थे मेरे इंजीनियर साथी, हरिंदर सिंह मेरे पेरेंट्स थे, मेरा एक दोस्त है जो IRS हैं उन्होंने मेरे को बहुत खुश किया जी, सबके मेरे को योगदान दिया, मेरे को कई बार मोटिवेट किया। और मैं इंजीनियर साथी हरिंदर सिंह मेरे पेरेंट्स थे, मेरा एक दोस्त है जो IRS हैं उन्होंने मेरे को बहुत खुश किया जी, सबके मेरे को योगदान दिया, मेरे को कई बार मोटिवेट किया और मैं कम्प्लीट कर पाया। पर सबसे कहीं ना कहीं इसकी मोटिवेशन का कारण देखना एक मेरी इंजेंडमेंट रही है कि इस टाइम ये प्रोजेक्ट कैसे बन पाया, मेरी क्यूरियोसिटी थी उसके कारण ही मैंने इसको आगे बढ़ाया। और बिल्कुल जैसे आपने बोला कि अपने माता पिता और परिवार और अपने दोस्तों एक सोसाइटी ही जब आपको एक मोटिवेशन मिलती है तभी आप ऐसा कुछ कार्य कर पाते हो, नहीं तो इसलिए श्रेय सबको जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अकेला मिला इसमें। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।